हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा शेयर्ड बजट के बारे में। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और ज्यादा जानते हैं शेयर्ड बजट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लिया है। इससे पहले मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया था वो बजट के ऊपर था, जिसमें मैंने कई सारी बातें आपको बताई थी और उसमें मैंने डेली बजट को लेकर और मंथली बजट को लेकर काफी सारी बातें करी थी। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, बजट के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है शेयर्ड बजट, यानी आप जितना भी पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं गूगल एड्स अकाउंट में, आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं कैंपेन के हिसाब से। अभी तक मैंने जितने भी कैंपेन आपको बनाने सिखाए हैं उसमें हम कैंपेन लेवल पे ही अपना बजट लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम बजट को शेयर करते हैं किसी भी दो कैंपेन में। अगर आपने एक एड बनाया है डिस्प्ले एड्स के लिए, दूसरा बनाया है सर्च एड्स के लिए और आपने उनके लिए 1000 रुपए निर्धारित किए हैं, तो वो 500 और 500 इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अगर किसी वजह से डिस्प्ले एड्स वाला जो कैंपेन है उसमें 500 रुपए खर्च नहीं हो पाते हैं पूरे दिन भर में, तो उसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो सर्च एड वाले कैंपेन पे खर्च होगा। इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं जा रहा हूं टूल्स एंड सेटिंग्स में, और यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर्ड लाइब्रेरी और नीचे लिख रहा होगा शेयर्ड बजट। तो आप यहां पे न्यू शेयर बजट बना सकते हैं, चाहे इस प्लस बटन पे क्लिक करना या फिर यहां क्लिक कर दें न्यू शेयर्ड बजट, और बजट का नेम आपको देना पड़ेगा। तो मैं दे रहा हूं यहां पे एग्जांपल, और अभी मैं 1000 रुपए कर रहा हूं। अब एड टू कैंपेन्स, तो यहां आपके कैंपेन आ गए जो जो एलिजिबल हैं। तो जैसे मैंने डेली बजट निर्धारित कर रखा है 200 रुपए 200 रुपए, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा। तो दोनों कैंपेन यहाँ आ गए, टेस्ट सर्च एंड वेबसाइट ट्रैफिक लर्न टू अर्न लैब्स। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो ये दोनों ही कैंपेन मैंने लाइव बनाए थे, आपको याद होगा। तो 1000 रुपए मैंने यहाँ से सिलेक्ट करे तो वो इन दो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे दिन के लिए। 500 रुपए ये जो टेस्ट सर्च कैंपेन है इसके लिए, और 500 रुपए वेबसाइट ट्रैफिक लर्न टू अर्न लैब्स है इसके लिए। अगर मैं यहाँ से थर्ड कैंपेन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा जो बजट है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 333 रुपए 33 पैसे इन तीनों एड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बराबर बराबर। और जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी कैंपेन का वो रुपया जो मैंने यहाँ निर्धारित कर रखा है, जैसे 333 रुपए अगर खर्च नहीं हो पाता है तो वो दूसरे कैंपेन में एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, शेयर्ड बजट का कॉन्सेप्ट भी होता है गूगल एड्स में और कई सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो जितने भी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हैं वो शेयर्ड बजट के कॉन्सेप्ट को कम यूज करते हैं और वो कैंपेन लेवल पे ही बजट की सेटिंग्स करते हैं। और अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तब भी आप शेयर्ड बजट को यूज ना करें, आप कैंपेन लेवल पे ही बजट को यूज करें। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आपका बिजनेस ग्लोबली है या फिर इंडिया लेवल पे भी है, तो आप शेयर्ड बजट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग अमाउंट जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है डिफरेंट तरीके कैंपेन्स पे, क्योंकि उनके सर्च एड भी चलते हैं, डिस्प्ले एड भी चलते हैं, डिस्कवरी एड्स भी चलते हैं और भी तरीके के एड्स चलते हैं, जिस वजह से उन्हें अपने बजट को एलोकेट करना पड़ता है। यानी हर कैंपेन में वो बराबर बराबर रुपए एलोकेट करना चाहते हैं दिन भर में जो चार्ज होता है, और उसके हिसाब से वो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कैंपेन उनको ज्यादा फायदा कर रहा है, यानी ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, फिर वो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमने शेयर्ड बजट बनाया था वो कैसे इफेक्ट में आ सकता है। तो आप कैंपेन पे जाएं जहां आपके सारे कैंपेन आपको दिखते हैं, जो आपका डैशबोर्ड आता है कैंपेन्स के लिए, और आप वहां से कोई भी कैंपेन सेलेक्ट करें। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये टेस्ट सर्च कैंपेन, तो मैंने ये कर लिया सेलेक्ट, और यहाँ जो एडिट लिखा रहा है इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ लिखा है चेंज बजट। तो चेंज बजट पे जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो फिल्टर बाय, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एवरेज डेली, और उसके बाद चेंज टू, तो यूज बजट फ्रॉम शेयर्ड लाइब्रेरी। तो जो मैंने शेयर्ड बजट बनाया था एग्जांपल, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई। तो दोस्तों, इस तरीके से आप शेयर्ड बजट को इफेक्ट में ला सकते हैं। तो कैंपेन लेवल पे जो बजट मैंने सेट कर रखा था पहले इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, अब मैंने उसके लिए बजट जो लिया है वो लिया है शेयर्ड बजट से। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, या फिर एक स्पेशल केस है, जिसमें अगर आप मिड डे में चेंज करते हैं कोई भी चीज,
जैसे आप शेड बजट को अगर मिड डे पे चेंज करते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए आपके दो कैंपेन रन कर रहे हैं और आपने इंडिविजुअल बजट 100-100 रुपए दोनों कैंपेन्स को दे रखा है, और वो किसी भी तरीके से 12 बजे तक या 1 बजे तक अपने 100-100 रुपए स्पेंड कर लेते हैं, और उसके बाद आप फिर से शेयर्ड बजट को चेंज करते हैं या फिर आप एलोकेट करते हैं उसको दोबारा से। मान लीजिए आपने अगर 400 रुपए एलोकेट करे तो वो दोबारा से शुरू करेगा उस बजट को, यानी वो 0 रुपए से शुरू करेगा, भले ही आपके जो दो कैंपेन हैं उन्होंने वो रुपए स्पेंड करे हों या ना करे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी नया शेयर्ड बजट आप निर्धारित करते हैं तो गूगल उसको 0 रुपए से ही शुरू करता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने शेयर बजट कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learn2unlearn.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।